कि तंबाकू की शरी हैसियत की वे। तो दोस्तान गिरामी, अरबो अजम दे मुफ्तियां दे उस्ताद सदरे शरीयत हजरत मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह, उन्हों का बड़ा मारूफ एक फतावा फिका था शरी मसाइल का, बहारे शरीयत 17 हिस्से ने उहदे। ए मैनू पता है कि जदों मैं कोई शरीयत का मसला दसा ना, 2-2 साल मेरे को खलो के लोग पूछते रहे, मौलवी साहब तुसीं ये मसला कीता सी, अजीब मसला सी, ये बड़ा वखरा अनोखा मसला सी, ये किस तरह मसला कीता। तो दोस्तान ने गिरामी ये याद रखो, उलमा कराम ने हर मसले की एक शरी तहकीक पेश की है, कोई उस पर अमल करे ना करे। तो दोस्तान गिरामी सदरे शरीयत मौलाना मुफ्ती अमजद अली कादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा बहारे शरीयत वो लिखते हैं कि तंबाकू जड़ा एक खुद रो बूटी है, खुद रो बूटी है, और इसदा इस्तेमाल जायज़ है। अगर कोई हुक्का पींदा है, सिगरेट पींदा है, नुस्वार खांदा है, बीड़ा खांदा है, पान खांदा है, शरन जायज़ है। मैनू कहते बहु ना फड़ लो बाद हुक्का पीने वाले या ना पीने वाले। तो दोस्तों कहना है ग्रामी ये उलमा दी शरी तहकीक है कि ये जायज़ है, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, पान और नस्वार बीड़ा इस्लामी शरीयत का सुनहरी असूल है कि जिस चीज़ की मुमानियत ओदा नाजायज़ होना या हराम होना कुरान और हदीस दे विच नस ना मिले, वो अपनी असल ते जायज़ है। वो चीज़ अपनी असल ते जायज़ है कि जिहदी मुमानियत कुरान और सुन्नत दे विचों ना मिले। इस तरह यह नशे की तारीफ विच नहीं आउंदा, जुमरे विच नहीं आउंदा। हुक्का पीना, सिगरेट पीना, पान, बीड़ा, नस्वार यह नशे के जुमरे विच बिल्कुल नहीं आउंदा। इस वास्ते नशे की तारीफ है वे कि ऐसी वो चीज जिहदे इस्तेमाल दे नाल ज़हन दे उत्ते असर हो जाए, ज़हन दे उत्ते मुअसर हो जाए, वो चीज़ नशे विच शामिल है। वो तुहानू भी पता किहड़ी किहड़ी चीज़ दा असर हुंदा है ज़हन दे उत्ते, वजाहत की जरूरत कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों रियासत दीर दे अंदर, रियासत दीर रूस दे बार्डर दे उत्ते वे मुहक्किक़े ज़मान, मुहद्दिस दौरा, मुफ्ती आज़म मौलाना पीर सैयद मेहर अली चिश्ती गोलड़ी रहमतुल्लाह अलैह रियासत दीर के दौरे पर गए ने तबलीग करने वास्ते। तो दोस्तान गिरामी दूसरे कंपनी के जो मौलवी सन ना, उन्होंने उत्थे एक टकोसला जारी किया कि जेड़ा मुसलमान नस्वार खांदा, बीड़ा खांदा, सिगरेट पींदा, उसका जनाजा नहीं सी पढ़ते। ये उस इलाके दे विच जेड़ा मुसलमान नस्वार खांदा सी, बीड़ा खांदा सी, सिगरेट पींदा सी, उस इलाके दे मौलवी ओदा जनाजा नहीं सन पढ़ते, बगैर जनाजा पढ़न तो उन्हें दफन कर देंदे सन। ये बड़ा एक जुल्मे अजीम है। तो पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह रियासत दीर के अंदर तबलीगी दौरे तक गए ने। उलमा ने मसला पूछा, अवाम ने मसला पूछा कि हजूर जी साढ़े तो बड़ा गड़ा बसाता है, तूफान बसाता है, दूसरी कंपनी के मौलवियों ने कि जो हुक्का पीने वाला बंदा, सिगरेट पीने वाला बंदा मुसलमान फौत हो जाता है, बगैर नमाजे जनाजा तो उन्होंने दफन कर देंगे। तो पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस इलाके के उस कंपनी के मौलवियों को मनादरे का चैलेंज दिता कि ओ कांग्रेसी मौलवियों मनादरा करो, शरी दलील पेश करो कि नाजायज किस तरह है। तो दोस्तान गिरामी ये हिंदुस्तान के अंदर भी दूसरी कंपनी के मौलवियों ने यह फतवा जारी कर दिता कि तंबाकू नोशी हराम है, ये निकोटीन है, ये है वो है। तो दोस्तान गिरामी जिसले फतवा बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह मरज़ा बरेलवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह दे सामने पेश किया गया। तो आप सरकार हुक्का नहीं सन पींदे, आला हजरत ने हुक्का पीना शुरू कर दिया। तो बरेली के ताजदार ने हुक्का पीना शुरू कर दिया। याद रखो और जिस तरह साढ़े जिम्मेदार हुक्का पीने ने ना इस हुक्के से आला हजरत के हुक्के को क्यास नहीं करना। साढ़े जिम्मेदार भरा जिहड़े ने ये तो हफ्ता हफ्ता पानी कोई नहीं पाते, पानी जो डोलते हैं ना बदबू आती है तो पीला रंग होया होता है, वो औसाफे सलासा जड़े ने वो बदल जाते हैं, लिहाजा पानी नजर से नफा के। लेकिन कुर्बान जाइए बरेली के ताजदार से जैसा हुक्का वो पींदे सन उस हुक्के विचों खुशबुआं आउंदियां सन। इस वास्ते मेरे दोस्तों तंबाकू नोशी अगर किसी मुसलमान का दिल करता है सिगरेट पी सकता है, हुक्का पी सकता है, पान खा सकता है, पीड़ा नस्वार इस्तेमाल कर सकता है। शेखुल इस्लाम हजरत मसऊदुद्दीन गंज-ए-शकर रहमतुल्लाह अलैह चिश्तियां दे बादशाह पान इस्तेमाल करते सन, पान खाते सन, ओई तंबाकू पान दे वेचे, ओई नस्वार दे वेचे, ओई पीड़े दे वेचे, ओई सिगरेट दे वेचे, ओई हुक्के दी टोपी दे वेचे। इस वास्ते मेरे दोस्तों ये शरीयत ये दीन किसी मौलवी दे प्यो दी जागीर नहीं, जो चाहे हलाल नू हराम और हराम नू हलाल करार देता है। तो मेरे दोस्तों हुक्का पीना जायज है, सिगरेट पीना जायज है, इस तो अगे कोई बदेगा तो अपना फेल है। कोई होर शह ना सिगरेट पा के पींदे रहे हो वो अगे किसी की मर्जी है, जैद बकर दा अपना फेल है, कौन है। लेकिन जिहड़ी शरी तहकीक है वह मैं पेश कर